तो विश्व के सबसे बड़े विमानवाहक पोत INS विराट को कोची में अंतिम विदाई दी गई। यानी भारतीय नेवी को 5 दशकों से अपनी सेवाएं दे चुका INS विराट अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गया है। इस पोत को 3 कर्षण नौकाओं से बांधकर विदाई समारोह के लिए मुंबई ले जाया जा रहा है। 29 अक्टूबर तक यह मुंबई पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि कोची बंदरगाह में इसके इंजन, रडार, छोटी बड़ी बंदूकें, हथियार और अन्य संवेदनशील उपकरणों को निकाल लिया गया है। जब यह पूरी तौर पर ऑपरेशनल था तब इस विमानवाहक पोत में करीब 1500 नौसैनिक रहते थे और एक बार जब समंदर में निकलता था तो साथ में 3 महीने का राशन लेकर निकलता था। करीब 24,000 टन वजनी यह पोत 743 फुट लंबा है और इसकी चौड़ाई 160 फुट है। इसकी रफ्तार करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। नौसेना में इसे 12 मई 1987 को शामिल किया गया था। इस पोत पर सी हेरियर लड़ाकू विमान तैनात थे। इस विमानवाहक पोत ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी में 29 वर्ष जबकि भारतीय नौसेना में 27 साल बिताए हैं। सबसे ज्यादा समय तक सेवा में रहने की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा समय तक सेवा में रहने की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। यहाँ आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने देश के 9 समुद्री राज्यों को चिट्ठी लिखकर सूचित किया था कि आप चाहे तो विराट को मात्र 1 रुपए की टोकन मनी देकर ले सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह करें कि इसका सम्मान बरकरार रहे। उम्मीद है कि रिटायर होने के बाद INS विराट को विशाखापट्टनम में रखा जाएगा, जहाँ वो आंध्र प्रदेश के टूरिज्म को प्रमोट करता नजर आएगा।